मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में अंतर। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे टू स्ट्रोक साइकिल और फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टू स्ट्रोक इंजन इंटरनल कंबसन इंजन का एक प्रकार है। इसमें इंजन में पावर उत्पन्न होने की सभी क्रियाएँ सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट दो स्ट्रोकों अपवर्ड और डाउनवर्ड में पूर्ण होती हैं। अथवा हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। जबकि फोर स्ट्रोक इंजन भी इंटरनल कंबसन इंजन का एक प्रकार है। इसमें इंजन में पावर उत्पन्न होने की सभी क्रियाएं चार स्ट्रोकों सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट में पूर्ण होती हैं। अथवा हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि क्रैंकशाफ्ट के दो चक्करों में एक पावर स्ट्रोक होता है। टू स्ट्रोक इंजन का पावर वेट रेशियो अधिक होता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन का पावर वेट रेशियो कम होता है। टू स्ट्रोक इंजन फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है टू स्ट्रोक इंजन की, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी अधिक होती है। टू स्ट्रोक इंजन कम दक्षता वाले होते हैं क्योंकि फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट गैसों के साथ मिक्स होकर इंजन से बाहर निकलता है। फोर स्ट्रोक इंजन अधिक दक्षता वाले होते हैं क्योंकि प्रत्येक क्रिया के लिए अलग से स्ट्रोक होने के कारण फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट गैसों के साथ नहीं निकलता है। टू स्ट्रोक इंजन चलते समय ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन चलते समय कम आवाज़ करते हैं। टू स्ट्रोक इंजन गर्म चलते हैं क्योंकि इसमें हर दूसरा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक होता है। इस कारण इंजन की गर्मी कूलिंग सिस्टम तक नहीं पहुँच पाती है। जबकि फोर स्ट्रोक इंजन ठंडे चलते हैं क्योंकि चार स्ट्रोकों में केवल एक पावर स्ट्रोक होता है, इसलिए इंजन की गर्मी बाकी तीन स्ट्रोकों में कूलिंग सिस्टम तक आसानी से पहुंच जाती है। टू स्ट्रोक इंजन में कम पार्ट्स होने के कारण फ्रिक्शन लॉसेज कम होते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में अधिक पार्ट्स होने के कारण फ्रिक्शन लॉसेज अधिक होता है। टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व मैकेनिज्म नहीं होता। इन इंजन्स में सिलेंडर की दीवारों में पोर्ट बने होते हैं जो इंजन के ऊपर और नीचे चलने के कारण खुलते और बंद होते हैं। इन पोर्टों में इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्टों के द्वारा इनलेट और एग्जॉस्ट की क्रिया पूर्ण होती है। जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व का प्रयोग करते हैं, जिनके संचालन के लिए वाल्व मैकेनिज्म की व्यवस्था रहती है। ये वाल्व कैमशाफ्ट द्वारा खुलते हैं तथा वाल्व स्प्रिंग द्वारा अपनी सीट पर बैठते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में कम पार्ट्स होने के कारण इसका डिजाइन सरल होता है। फोर स्ट्रोक इंजन में अधिक पार्ट्स होने के कारण इनका डिजाइन जटिल होता है। टू स्ट्रोक इंजन का भार कम होता है, पार्ट्स कम होते हैं तो जाहिर सी बात है कि भार भी कम होगा। फोर स्ट्रोक इंजन का भार अधिक होता है। टू स्ट्रोक इंजन के पिस्टन में ऑयल रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन के पिस्टन में ऑयल रिंग का प्रयोग किया जाता है। टू स्ट्रोक इंजन में डिफ्लेक्टेड हेड टाइप और डोम टाइप पिस्टनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि फोर स्ट्रोक इंजनों में फ्लैट हेड, कॉनकेव हेड और कॉन्वेक्स टाइप के पिस्टनों का प्रयोग किया जाता है। टू स्ट्रोक इंजन ज़्यादा टॉर्क उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनमें क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। फोर स्ट्रोक इंजन टू स्ट्रोक इंजन के मुकाबले कम टॉर्क उत्पन्न करते हैं क्योंकि इनमें क्रैंकशाफ्ट के दो चक्करों में एक पावर स्ट्रोक होता है। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होने के कारण क्रैंकशाफ्ट की टॉर्क एक समान रहती है, जिस कारण फ्लाईव्हील हल्का लगाया जाता है। जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट की दो चक्करों में एक पावर स्ट्रोक होता है, इस कारण क्रैंकशाफ्ट की टॉर्क एक समान नहीं रहती है, इसलिए इसमें फ्लाईव्हील बड़ा लगाने की या भारी लगाने की आवश्यकता होती है। टू स्ट्रोक इंजन ज़्यादातर एयर कूल्ड बनाए जाते हैं, जबकि फोर स्ट्रोक इंजन ज़्यादातर वाटर कूल्ड बनाए जाते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेटिंग सिस्टम पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, जो सरल है। इसमें क्या होता है, फ्यूल के साथ लुब्रिकेशन ऑयल की मात्रा मिलाई जाती है जो लगभग 20:1 होती है। अलग से इसमें और कोई व्यवस्था नहीं रहती लुब्रिकेशन की, इसीलिए ऑयल रिंग का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि फोर स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, क्योंकि उसे हर मूविंग पार्ट तक प्रेशर के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुँचाना होता है। तो ये जटिल रहता है। इन अंतरों को हम माइंड मैपिंग मेथड के जरिए भी याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिखाया गया है एक चित्र में, एक सेंटर में हम इसमें टॉपिक लिखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन
टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक इंजन, उसके बाद हम ये अनुमान लगाएंगे किस किस में अंतर हो सकता है, जैसे कि वर्किंग में क्या अंतर है, कॉस्ट में क्या अंतर है, एफिशिएंसी में जैसे कि एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ऐसे एप्लीकेशन कौन कहाँ उपयोग में आ रहा है, वेट किसका ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन, इनके अंतरों के आधार पर हम इनके अंतर याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।